देखो ध्यान से, लेक्चर 30 सिग्नल्स एंड सिस्टम। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि एनर्जी सिग्नल कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट एनर्जी ठीक, एनर्जी सिग्नल कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल जीरो, क्या चीज? ये थोड़ा सा अलग लिखा दे, एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इन्फिनिटी होता है, अंकी गलत लिखा हुआ है। ठीक ठीक, आप क्लियर? एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इन्फिनिटी होगा, ठीक है? अब क्लियर? ये सब क्लियर? चलो तुम लोग क्या करो, सब लोग एक शॉर्ट नोट बनाओ, जैसे मैंने बताया ए रेक्ट टी बाई टाउ, इसका क्या था जी? एनर्जी, एनर्जी क्या था इसका? ए स्क्वायर टाउ, ऐसा करके शॉर्ट नोट। इसी तरीके से ई ऑफ माइनस ए टी U of T का एनर्जी जो है 1/2a। इसी तरीके से मैंने क्या बताया था, E का पावर प्लस ए टी या केवल माइनस ए टी, यू टी नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी। और इस तरीके से ई के पावर ए टी यू ऑफ टी, इसका भी इन्फिनिटी होगा। ई के पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका कितना होगा जी? रेस्ट वन कितना हुआ? वन बाई टू ए, यही होगा इसका। समझ पाए सब लोग कैसा क्यों हुआ? ई पावर माइनस यू ऑफ माइनस टी इस तरीके से होगा जी? इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा यहां पर, इस तरीके से बनेगा ना? हाँ, तो ये याद रखेंगे। देखो ये सब चीज जब मैं फर्स्ट टाइम गेट दिया था तो इसको मैंने रटा था, इन सब चीजों को नहीं पढ़ा था। ये होता है कंसेप्ट, क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी में इन सब चीज़ों को याद रखते हैं, नीचे वाले को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है तुमको, सब चीज़ याद रखना है, क्योंकि लाइफ याद रखना दोबारा मौका नहीं देगी, इस बार लगा लो नहीं तो
शादी कार्ड आएगा, मैं जान रहा हूँ कुछ दिनों बाद। कैसे वाली? लेवा सर भाई के रहने दो, छोड़ा भाई के। तो ये बी केयरफुल। चलो ये क्वेश्चन है, इस बार लगाना ही है, इसके बाद फिर समझ लो 3-4 साल बाद। वेरी डिफिकल्ट है ना। अभी माँ खाना बना के दे रही है, सासू माँ को बना के देना पड़ेगा। ठीक है शिवानी, हम नून मिर्चा कम हो जाते हैं भाई। लड़ाई कैसा प्रियंका जी, ठीक चल रहा है कि नहीं? खाना ना। चलो देखो इसका निकाल लोगे पावर कितना आएगा इसका। चलो ट्राई करो, समय दे रहा हूँ। ऐसा ऑप्शन में नहीं है। क्या होता है पावर? चलो इसमें पुट करो, मैं निकालना भी सिखा दे रहा हूँ कि कहीं इधर उधर फंक्शन आ गया तो निकाल भी लो, है ना। बाकी तो रट तो लोगे ही, t/2 t/2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। चलो बनाओ। कैसे वाले इंटीग्रेशन आता है? चल थोड़ा बहुत बना, सब लोग बनाओ, कितना आएगा आंसर? ये करने का हमला आंसर चाहिए, बात खत्म। ठीक दीपक,
चलो देखो कैसे होगा। चलो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो इसका कॉस टू थी, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू, तो बाहर निकाल देता हूँ डी ओमेगा टी। कॉस का क्या होगा, कॉस का साइन लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई टी, तो 1 बाई टी बाई टू। इसका इंटीग्रेशन 1 का ओमेगा टी प्लस कॉस का साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाई टू माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू। तो साइन का इसका 0 होगा, ठीक है ना, प्लस थीटा माइनस थीटा 0 0 हो जाएगा ना जी। साइन का इसका क्या बचेगा, लिमिट टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 टी ए स्क्वायर, इसका टी बाई टू माइनस माइनस प्लस टी बाई टू, साइन का 2 0, ठीक है ना, क्लियर। क्यों 0 होगा, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। प्लस साइन का नहीं, पूरा ओमेगा की जगह इसको रखना, ठीक है जी, साइन ओमेगा ओमेगा टी प्लस 2 2 कट जाएगा ना, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर, डिवाइड बाई टू। अब देखो ये लिमिट वाला, ये वाला आगे गुणा होगा अंदर में सब में, इसलिए क्या हो जाएगा इसके बाद आगे, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ये टी टी हो जाएगा, ये कैंसर, यहाँ पर केवल क्या बचेगा ए स्क्वायर बाई टू, और लिमिट यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर बाई टू टी लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन माइनस माइनस प्लस 2 sin ओमेगा टी। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है जी, 0 होता है ना, आया समझ में, अब 0 हुआ समझ में आया ये सब, तो 0 हुआ, तो क्या बचा है, डायरेक्ट इसको याद रखना है ए कॉस ओमेगा टी का पावर जो है
ए स्क्वायर बाई टू होता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसी तरीके से ए ए कॉस रहे, ए साइन रहे, साइन 2 थीटा प्लस माइनस पाई, इस तरीके से कुछ भी रहे, सबका पावर कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई टू याद रहेगा सबको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पूछता है कोई 10 cos ωt का पावर कितना होगा, बताओ। चलो पावर ऑफ √2 साइन 2 ωt प्लस माइनस 5, इसका पावर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100/2, 50 वाट, पावर का यूनिट वाट है ना जी, याद रखना पावर का यूनिट वाट होता है। ठीक, इस तरीके से एनर्जी का क्या होगा, इसका पावर का 2/2 1 वाट। अब आए समझ में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अब समझ में आया कैसे बनेगा, 10 सेकंड लगेगा ना, ट्रिक याद है तो इसको रटना पड़ता है, इन सब चीज़ों को रट लोगे। या तो ये एक और तरीका है, ठीक है ना, ये देख लो, इस तरह ये सबको देख लो, है ये सब तरीके हैं, दो तरीका बताया मैंने, दोनों में से जो सही लगे बना लो। ठीक ठीक कौन सी वाली, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड, चलो इसका बनाओ। कितना हो जाएगा इसका, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। अब आए समझ में, 10/2 3/2 13/2 6.5, अब आया समझ में सबको, ऐसा रहेगा कैसे बनाओगे, क्लियर जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस एनर्जी अगर आपको पूछेगा ए प्लस बी सॉरी पावर है साइन बी साइन ओमेगा टी प्लस सी साइन 2 ωt एंड सो ऑन, इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे एग्जाम में पूछा था PSC में 2 नंबर का, ठीक है ना, मैंने गलत किया था, क्या होता है हम कभी कई बार हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो तकलीफ होता है। एंड सो ऑन, जैसे ए का स्क्वायर प्लस, इसको मैं अभी बताऊंगा, उसमें 20² / 2 6² / 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन,
एक्स ऑफ टी इक्वल टू टू कॉस फोर टी, किसका माइक ऑफ है, कॉस फोर टी प्लस फाइव साइन 60। ये सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, इसका एवरेज पूछेगा, एवरेज डायरेक्ट टू आंसर आएगा, क्योंकि साइन और कॉस का एवरेज कितना होता है, जीरो, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, इसको जानते हो ना जी, जितना प्लस उतना माइनस। चलो तो एवरेज कितना हो जाएगा, टू, पावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट डी सी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर बाई टू, फाइव का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। इससे मतलब नहीं है, अंदर में क्या है उससे, ठीक है, समझ नहीं, समझ में आया, सात्विक समझ में आ रहा है, नाइन प्लस 25 डिवाइड बाई टू, नाइन बाई कितना हो जाएगा, ये 8, ये रूट नहीं होता इसमें, ये आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस है जो बता रहा हूँ, जो आप बता रहा हूँ, और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू यहाँ आ रहा है, कितना अगर जोड़ो, हाँ 20 बना रहा है, तो ये आरएमएस वैल्यू है, अभी आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकालना सीख रहे हैं हमको, तो आरएमएस का स्क्वायर करोगे पावर आ जाएगा 21 वाट, याद है ना तुम लोगों को, वी स्क्वायर बाई आर होता है पावर, पावर ये होता है कि नहीं जी, तो ये आर वन है समझ लो अभी डेट में, है ना, तो ये बस आरएमएस का स्क्वायर करोगे तो पावर आएगा, समझ गए सब लोग, चलो समझ गए, तो बनाओ इसका पावर, पावर भी निकालना है, आरएमएस भी निकालना है, दोनों निकालना है, और एनर्जी भी निकालना है, 10 प्लस 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी। चलो बनाओ बनाओ, चलो
आखिर बताएं। RMS 100 प्लस 36। ठीक, बढ़िया। RMS कितना आ जाएगा और इसका एनर्जी पावर, सॉरी सौ 50। एनर्जी कितना जाएगा, पावर इंटू टाइम। अच्छा, इस तरीके से आया समझ में सबको यहां तक। बताएंगे यहां तक, क्लियर? ठीक, चलो इसका बनाओ। क्योंकि टी का मान इन्फिनिटी होगा ना, तो इसका पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल, क्या बताया था, इन्फिनिटी होता है ना। अच्छा जी, वही तो हो रहा है। चलो इधर, ये क्वेश्चन पूछा कैसे बनाओ जल्दी। इसका आपको पावर एनर्जी बताना है। कितना आएगा, देखो ध्यान से। मेरे ख्याल से तुम लोग डिप्लोमा पढ़े हो कहीं सब, कैसे जी? और तुम्हारी जानकारी भी बता दूं, कक्षा 11वीं का है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। देखो, आर ई का पावर आई थीटा जब भी लिखा रहता है, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, याद आया? यूलर्स थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है शिवानी? कक्षा 11वीं तो क्या हो जाएगा, ये 4e का पावर JAT, 4 cos थीटा प्लस आई 4 4 sin थीटा। तो ये मैंने बताया था कि जब एक कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा जेड है, एक्स प्लस आई वाई,
इसका क्या करते थे, अंडर रूट करके निकालते थे, निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस इसका निकालते थे, बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है ना। एक कॉस और साइन वाला तो बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं करके बताया था ना अभी, कॉस का पावर कैसे निकालते थे जी, फोर स्क्वायर बाई टू प्लस फोर स्क्वायर बाई टू, ये आरएमएस था, कितना आ जाएगा रूट 16 दैट इज 4 दैट इज आरएमएस। तो ये आरएमएस डायरेक्ट आ गया चार, जो दिख रहा वही है। इसका अगर पावर निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 4 का वर्ग 16 वाट। एनर्जी बताओ, पावर इंटू टाइम, अब आया समझ में डायरेक्ट। अगर इस टाइप का रहेगा, हमेशा याद रखना, अब एक्स ऑफ टी आर टी का पावर आई थीटा इस टाइप का रहेगा तो डायरेक्ट इसका आर एम एस बराबर आर पावर बराबर आर स्क्वायर एनर्जी बराबर इन्फिनिटी। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग। चलो इसका बताओ, तो चलो तो 10 की पावर 10 है ठीक है, पावर आई 10। चलो बनाओ, पावर आर एम एस कितना हो जाएगा बताओ, पावर समझ पाए सब लोग, क्लियर हुआ जी। नहीं, वो पावर था आरएमएस, ये था इसका स्क्वायर, ये था पावर एनर्जी के लिए इस तरीके से, ठीक है ना जी। उसको सुधरवाया हूँ मैं, देखो ये वाला सुधरवाया था कि आ रहा है मैं, ठीक हाँ ठीक। चलो अब इसका कुछ डायरेक्ट, अभी देखो आज कोई क्लास नहीं है तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ आज। अगर एक्स ऑफ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आज, u ऑफ t तो कितना होगा इसका, इसका डायरेक्ट याद रखेंगे पावर हाफ
वाट होता है इसका, हाफ वाट। अगर ए लिखा हुआ है ऐसे, यू ऑफ टी मतलब यूनिटी होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका क्या होगा? हेलो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं।